गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ये क्वेश्चन जो है वो हर साल किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछते ही हैं। हर एक दो साल में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत बताइए, या इस तरीके से पूछ लेते हैं कि राज्य किसी मतलब कि राज्य किसका परिणाम है, एक विकास का परिणाम है। ये ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को उसमें क्या बताना है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत हमने पढ़े हैं और जो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे कि राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के बल पे हुई है, मतलब शक्तिशाली लोगों ने जो निर्बल लोग थे उन्हें दबाना शुरू कर दिया और ऐसे बहुत उनके ऊपर अधिकार कर लिया और ऐसे बहुत सारे लोगों को वो दबाते गए और उससे पूरा एक जनपद बन गया और फिर आगे उन्होंने अपना और भी प्रभुत्व स्थापित किया और उससे राज्य की उत्पत्ति हुई। उसके बाद आता है दैवीय सिद्धांत, जिसके अनुसार राज्य कैसी है, एक दैवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति भगवान से हुई है, प्राकृतिक संस्था जो उन्होंने बोला है। उसके बाद उसका और भी सिद्धांत है, जैसे कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम है। उसके बाद मात्रात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो ये सारे जो सिद्धांत है ये सब किससे रिलेटेड है, राज्य की उत्पत्ति से। लेकिन इन सभी सिद्धांतों को ज़्यादा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। किसे मान्यता प्रदान की गई है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को। इसका मतलब है कि जो राज्य है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, एक विकास का परिणाम, धीरे धीरे राज्य का क्या हुआ है, विकास हुआ है और विकसित होके वो एक पूरे राज्य एक संस्था बन गया है। मतलब धीरे धीरे उसके जो विकास में बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे तत्व हैं जिन्होंने भाग लिया है, जिन्होंने अपना क्या दिया है, अपने अपने छाप छोड़ी है, अपना अपना काम किया है, थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग दिया है, जिसके कारण जिनको मिला के एक पूरी क्या संस्था हुई है, राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य का विकास हुआ है। ठीक है, तो जो राज्य का विकास है वो बहुत, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स संगठित रूप, मतलब संगठित रूप में उन्होंने अपना क्या दिया है, सहयोग दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब है जिनसे जो व्यक्ति हम जिनसे हमारा क्या होता है, खून का रिश्ता, मतलब कि हमारी फैमिली जो होती है, एक किसी व्यक्ति की जो फैमिली होती है उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो परिवार जो होता है उसका, वो परिवार आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, परिवार जो बड़ा होता रहता है, पहले तो वैसे भी संयुक्त परिवार की प्रथा थी, तो जो परिवार होते थे बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, तो ये परिवार धीमे धीमे क्या होते जाते थे, बढ़ते जाते थे, क्योंकि उनमें रक्त संबंध होता था, तो वो एक साथ रहते थे, उनमें आपस में जो थी सहानुभूति की भावना होती थी, दया की भावना होती थी, तो वो सभी आपस में एक साथ मिल के रहते थे। तो राज्य की उत्पत्ति के विकास में धीमे धीमे किसने भी सहायता दी है, रक्त संबंध में। उसके बाद दूसरा जो है, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति है। मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहता है, तो मनुष्य की स्वाभाविक जो सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, मतलब जो समाज में रह के वो जो काम करता है, समाज में हम कोई काम बिना अकेले तो नहीं कर सकते, हमें और भी लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारी जो फैमिलीज या जो परिवार होते थे वो आपस में मिलकर सामाजिक क्रियाएँ करते थे, जिससे क्या होता था, जिससे भी राज्य की उत्पत्ति में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया है। मतलब कि जब बहुत सारे लोग सामाजिक रूप से मिलजुल के कोई भी काम करते हैं तो इकट्ठे होकर, तो उससे धीमे धीमे वो क्रियाएं जो थी, जो उनकी सामाजिक प्रवृत्तियां थी, उनका विकास होने लगा, जिससे किसमें राज्य का भी विकास होने लगा। उसके बाद आता है धर्म। धर्म जो है रक्त संबंध और सामाजिक प्रवृत्तियों का एक दूसरा पहलू धर्म भी है। ठीक है, धर्म के द्वारा ही बहुत सारे लोग आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं आपस में जुड़े रहती हैं, बहुत सारे कबीले जो होते हैं वो धार्मिक क्रियाओं द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं धर्म के माध्यम से। अभी भी हमने देखा है धर्म, अगर किसी का धर्म जो होता है वो समान होता है, एक ही धर्म को मानने वाले होते हैं, तो उनमें आपस में कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब हमें किसी को ऐसे कनेक्ट होने में धर्म की बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू होती है, तो लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनकी एक कबीले को या एक समुदाय को दूसरे समुदाय से मिलाने के लिए धर्म में उनका भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। उसके बाद आती है शक्ति। शक्ति ने भी, शक्ति भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि शक्ति के द्वारा एक पे एक किसी व्यक्ति को दबाना या अधिकार करना उसके ऊपर और उसे अपने पास बनाए रखना या उसके द्वारा प्रभुत्व स्थापित करना किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर। एक जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो अपने से निर्बल व्यक्ति को दबा के रखता है,
ऐसे ऐसे वो जितने भी और भी उसके मतलब कि उसके जितने भी कनेक्शन में उसके मतलब आसपास जितने भी निर्बल लोग होते हैं वो उनको दबाने की कोशिश करता है। तो शक्ति भी एक तरीके से राज्य की उत्पत्ति का बहुत इम्पोर्टेंट साधन है, और आज के टाइम में तो शक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है राज्य के लिए। ठीक है, उसके बाद आती है आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियों को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पहले के जो थिंकर्स थे, प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, इन्होंने आर्थिक गतिविधियों को राज्य की उत्पत्ति के लिए बहुत ज़रूरी माना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी माना है। कैसे आर्थिक गतिविधियों को, मतलब मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियाँ कैसे थी, जैसे उसको चार उसमें डिवाइड, बहुत सारी स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, पशुओं को पालना स्टार्ट किया दूसरी स्टेज में, तीसरी स्टेज में उसने पशुपाल खेती करना स्टार्ट की, और चौथी स्टेज में औद्योगिकीकरण हो गया। मनुष्य ने खुद के व्यवसाय वो कर लिए, औद्योग, मतलब बहुत सारे औद्योग स्थापित कर लिए खुद के। तो उन्हें क्या होने लगा, उसकी सिक्योरिटी, मतलब डर लगने लगा कि कोई हमारे उद्योग हड़प ना ले, कोई हमारी संपत्ति ना हड़प ले। तो ये जो संपत्ति हड़पने की जो उसकी एक इनसिक्योरिटी की भावना थी, कि डर की भावना थी, तो इसी ने क्या हुआ, बहुत सारे नियमों का पालन, मतलब बहुत सारे नियम बनाने की ज़रूरत पड़ी। और नियम कहाँ बनते हैं, राज्य में रह के ये नियम बनते हैं और नियमों का पालन होता है। तो इस जो उनकी जो ये जो आर्थिक गतिविधियाँ थी, इनसे भी राज्य की उत्पत्ति में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सहयोग मिला। उसके बाद आती है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना अभी यही होती है कि जब बहुत सारे व्यक्ति साथ में रहते हैं तो उनमें राजनीतिक चेतना का कि हम कोई लीडर होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके। तो ये और हमें उसके उसको सारे अपने अधिकार सौंप देने चाहिए। बदले में वो हमें क्या देगा, हमारी सुरक्षा देगा, हमें हमारे दूसरे जो निर्बल व्यक्ति होंगे उनकी रक्षा करेगा, कैसे शक्तिशाली जो उन पर अत्याचार करते हैं। तो ये जो राजनीतिक चेतना की भावना थी, इसने भी राज्य की उत्पत्ति में क्या दिया, बहुत ही सहयोग दिया। तो ये जो सारे तत्व है ये राज्य की उत्पत्ति में सहयोग दिया इन्होंने, और इन्हीं के कारण या इन्हीं के सहयोग से धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य का विकास हुआ। मतलब राज्य एकदम से नहीं बन गया, राज्य का क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स ने उन पे सहयोग दिया और ऐसे जाके क्या हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई और राज्य बन गया। तो यही था उसका ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, और यही सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य है। सबसे ज़्यादा मान्यता जो है वो इसी सिद्धांत को प्राप्त है कि राज्य की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। राज्य की उत्पत्ति विकास का ही परिणाम है। ठीक है।